राजनीति है, सबसे स्थितियां तो गंभीर राजनीति का, जड़ी बूटी राजनीति में दीजिए, ये बिल्कुल दीजिए। कब कौन किधर चला जाए हाँ, कोई नहीं जानता। हाँ, कल कहेगा नहीं जाएंगे, आज पता चलेगा। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दी जाए, यही मिला के दीजिए। राजनीति वोट का जड़ी बूटी दीजिए, जरूरी है। वोट का जरूरती हम सबके लिए जरूरी है। ऐसे जगह पर दीजिए कि वो राज एकदम जड़ी बूटी आपको पूरे जो है सो मिक्स हो जाए, मिल जाए। ऐसी जड़ी बूटी दे दीजिए बिल्कुल। और हम लोगों के पास एक ही मौका होता है 5 साल में कि जड़ी बूटी दिया जाए। एवरी टाइम, हर समय मौका नहीं होता है। एवरी टाइम नहीं, हर समय नहीं, 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 नहीं। अभी हम सबको जड़ी बूटी की आवश्यकता है हाँ, और वो जड़ी बूटी जो वोट के द्वारा हम लोग देंगे, क्योंकि कब फिर पता चलेगा, फिर बाबा चले गए कहीं और चाचा जी हमारे, तो गड़बड़ हो जाएंगे। हम लोग तो उन्हीं को देते हैं वोट ना, बीजेपी को, और फिर वो चले जाती है उधर, फिर वो उधर, कैसे विकास होगा। सबसे भी दिक्कत तो ये है हाँ, बोला जड़ी बूटी, 20 तरह की जड़ी बूटी, 20 तरह की जड़ी बूटी खाइए और डायबिटीज शुगर भगाइए। और क्या राजनीति में, राजनीति में तो बीजेपी की जय जय है। हाँ, बीजेपी की जय जय है। यहाँ पर जो इसके अगेंस्ट में है वो 5 बार का 10 बार का विधायक है, आज तक कभी अभी संसद में आए, आज तक कभी कुछ काम उन्होंने किया नहीं। यहाँ तो मोदी बाबा की जय जय है, जड़ी बूटी लो, मोदी बाबा भी आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम विपक्ष में इसलिए नहीं बोलेंगे। कहाँ पे, कौन से विपक्ष में? हाथ छाप। हाँ तो मतलब उसमें क्या क्या, वो कोई अपना हाथ छाप है, शुरू से लेके अभी तक, शुरू से लेके मतलब आजादी से लेके अभी तक, पूरा परिवार, पिता, दादाजी, दादा, नाना जी, हाथ छाप, साथ छाप, ठीक है। उसमें कौन सी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो बोले थे, बोल कह रहे, अभी थोड़ा, अभी थोड़ा दब गए हैं, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे। सबका समय आता है, बस आएगा, वही सबका समय आता आएगा, अभी इस बार ही आएगा। हाँ, 100% आएगा। हम लोग को नेते नहीं स्ट्रांग मिल रहा है, यही दिक्कत है। आज देखे भी ना, आज देखे भी ना, ये नेता मिलता है तो दरभंगा छोड़ के मधुबनी भागते हैं। आइए, जय हो, जय हो, जय हो ब्रो। जब चलते चलते धूप में पाजी लड़खड़ाना नहीं है, कभी कभी चलते चलते धूप में आप थक जाते हैं, थक जाते हैं, धूप बहुत तेज है तो बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं तो संगीत सबसे बड़ा आपका साथी होता है। मेरे लिए तो कम से कम वही होता है। फिर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ गा लेते हैं, कुछ बजा लेते हैं। लंबा सफर है पाजी, यूं ही कट जाता है। क्या हो जाता है, क्या ये कट जाता है, कट जाता है। और आप मोहम्मद मुख्तार अलमीरा मिस्त्री, पूरा नाम ये है जी, मेरा पूरा नाम ये है। क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार हुआ अलमीरा मिस्त्री, पेंटिंग मरम्मत, ताला हैंडल रिपेयर करवाइए। डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत, ताला हैंडल, कलर, सारा होम डिलीवरी, घर घर पर होम डिलीवरी, सारा चीज घर, घरे पर, घरे पर सब जी जी। गोरा भी अगर सारा रहेगा वो भी घरे पर बना देंगे। क्या पहले नहीं सारा रहता गोरा का, अलमीरा का, वो भी आपके घर पर। अच्छा, मतलब कह रहे हैं अलमीरा का जो गोड़ जो है वो सना रहता, मतलब वो जो अलमारी आप रखे अलमारा और वो वहीं में धरती में समा गया, यानी एकदम जिच हो गया, सड़ गया। उसको नया लगाना है तो वहाँ उसको आपको डेरे पे जाकर लगा देंगे, घरे पे लगा देंगे, घरे पे लगा देंगे, कहीं ले जाने को आप मत ही लीजिएगा, आप वहीं रहिएगा। कहाँ? घरे में, घरे में। कौन आएगा?
अलमारी मिस्त्री है घर। नाम हो गया मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुख्तार घर आएंगे आपके और क्या कर देंगे? जो पूरा मरम्मत पुराना को नया कर देंगे, HD बना देंगे, कलर करेंगे, 3000 रुपया लेंगे, एगो हैंडल लगाएंगे 365 लेंगे, ताला लगाएंगे 400 रुपया लेंगे, गोदरेज का होगा तो 850 रुपया लेंगे। यार हो तुम बड़े अकल के आदमी, पूरी देर में अपनी तुमने मार्केटिंग ऐसी गजब की करी है कि सब कुछ अपने बारे में बता डाला। हम सोच रहे थे हमें बहुत काबिल है। बोलिए इस बार कौन? इस बार जहाँ सभी एक तरफ एकजुटता दिखाएंगे, बहुमत दिखाएंगे और जो काम किया रहेगा उसी को दिया जाएगा। फिर भी किसको लग रहा है देश में किसको चुनना चाहिए आप? जो काम किया है। कौन किया? अब ये तो आप सब देख ही रहा है। ये देख के बोलिए आप तो विचारवान व्यक्ति हैं बिहार के। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जिसके साथ पूरा देश ही नहीं पूरा इंटरनेशनल लेवल पे सब खड़ा है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना काफी है। मोदी सरकार कहाँ चले गए वो डेंटिंग पेंटिंग? निकल गया, नहीं तो करवाते डेंटिंग, आपकी पेंटिंग पूरी करवा देता डेंटिंग पेंटिंग। बताइए जी, पूछा जाए? पूछा ये जाए कि क्या लगता है इस बार मोदी सरकार आएगी? दो मिनट में जब निपटा देता आदमी तो बहुत अच्छा तो लगता है। पूछिएगा ना आप कारण पूछा, कारण पूछा आप ना पूछिएगा तब ना आंसर दूंगा। नाराज हो गए? नहीं नाराज नहीं, क्वेश्चन आप रखेंगे तब ना। अरे बताइए भैया, दूध बहुत है, जल्दी बोल दीजिए, जो भी मन में आए बोल दीजिए। इसके कई वजह है, जैसे 1-2-3। हाँ 1-2-3 में एक तो मान लीजिए हम लोगों के बीच जो 500 वर्षों का झगड़ा था परमानेंट क्लियर हो गया। होता ना हिंदू मुस्लिमों में मुद्दा ही नहीं रहा अब तो, वो तो मान लीजिए झगड़ा का वजह ही खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात ये किसी के दूसरा राष्ट्रहित के नाम पर, तीसरा जो हाँ उस पर भी आता हूँ। देखिए रोजी रोटी का सवाल है, जब तक आप खुद अपने से काम नहीं करिएगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, ठीक है? तो हमें नौकरी ऐसी थोड़ी मिली है, पहले डिजर्व करेंगे तब ना। आज भी बच्चों को नौकरी मिलती है, लेकिन इसके लिए जिसमें जिस तरह की क्वालिटी रहेगी उसी तरह पहुँच पाएगा ना। अब हर आदमी चाहता है जो मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन उसकी एजुकेशन और क्वालिटी भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं मानता हूँ एवरेज, चूँकि देखिए अब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो जॉब का पैटर्न भी बदल रहा है। जॉब का पैटर्न बदला है? बिल्कुल बिल्कुल बदल रहा है। अब लोग जॉब का मतलब सिर्फ सोचते हैं जो गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं है। अब क्या पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे अच्छे जॉब है। तो अब क्या है, अब 80 लाख पूरा सरकारी नौकरी हिंदुस्तान में, क्या 80 लाख ही जनसंख्या है? नहीं नहीं, तो फिर सब चालीस ऊपर निकल रही है सरकारी गवर्नमेंट की। अरे हम जरा देर, 80 लाख है पूरे हिंदुस्तान में, क्या बताइए 80 लाख ही युवक है? मैं मानता हूँ कि पहले वैकेंसियां हो उसके बाद आप कहेंगे कि लोग डिजर्व करते हैं कि नहीं। ठीक है, आप अपने आप लोग परीक्षा में जाएं सो तब फेल और पास करेंगे, रिजल्ट्स होंगे और होते रहे। बिहार ने ही 4 लाख से ऊपर शिक्षक बहाली किया है। ठीक, बहुत अच्छी बात, बोलते रहिए। जो रोजगार को लाएंगे उसी को लाएंगे, जो रोजगार को लाएंगे उसी को लाएंगे। RJD सरकार, BJP वर्सेस कांग्रेस कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपके मतलब आप बोलिए जो आपका मन हो। RJD रोटी उटी चढ़ा चाहे जो टैबलेट खाता है और कोई सुनता है ये सबको बंद करवाइए। क्या ले लीजिए? गुलाब है, फ्लावर है, बकेट है, आर्टिफिशियल आइटम, नेचुरल आइटम, सारा कुछ है। आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल बकेट और नेचुरल बकेट। नेचुरल बकेट जी, आर्टिफिशियल भी है जी। इधर ला, इधर ला, फोटो ला इधर। खुशबू, हम लोग बहुत अच्छे से जो गंदारी कर रहे हैं और ये जो आपका देख रहे हैं नगर निगम में हम लोग बसे हुए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत चल रहा है आप लोग को, यही सब चल रहा है, वोट लेके खड़ा है, वोट लेके खड़ा है। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, स्वनिधि योजना क्या शुरू किए हैं इसमें? फूल का गुलदस्ता बेच रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, नंदलाल गुप्ता कौन? क्या नाम? नंदलाल गुप्ता। नंदलाल गुप्ता? यार नंदलाल गुप्ता एक काम करो, काम तो अच्छा कर रहे हो तुम, ये मसाला ना खाया करे यार। मसाला खाने से उल्टा टाइम पास के लिए हो जाता है, टाइम पास के लिए हो जाता है। टाइम पास हो जाएगा।
नमस्कार भैया। प्रोग्राम नहीं छोड़ते हैं आपका, डेली चाप देते हैं, डेली देखते रहते हैं, एक बार भी नहीं बंद करते हैं आपका प्रोग्राम, डेली चाप रहे हैं। क्या चाप रहे हैं मतलब नहीं समझे, तब जो कह रहे हैं ना डेली चाप देते हैं प्रोग्राम, डेली देखते हैं हम लोग। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं नहीं, इसलिए आपको पूछे भैया जी कहीं, आपको हम पहचान गए, हम आपको बराबर टीवी पर देखते रहते हैं इसलिए पहचान गए, एक भी प्रोग्राम आपका मिस नहीं करते हम लोग। सेल्फी लेंगे आपको, सेल्फी ले लीजिए, सेल्फी ले लीजिए। घंटा जी सर, यहाँ का 12 घंटा कम से कम, यहाँ का जाम में वाकई में बहुत स्थिति खराब है, दो बार पास होने के बाद भी ठीक है ये कैंसिल हो करा दिया गया है यहाँ का, बताइए ध्यान दे तो अभी ना, अगर मान लीजिए ओवर ब्रिज का निर्माण जरूरी है जिस जगह पर, यहाँ मूलभूत अभी सबसे ज्यादा जरूरत इस ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ओवर ब्रिज का जरूरत है जी, क्या ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे सर, ओवर ब्रिज बनना चाहिए यहाँ, ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ओवर ब्रिज यहाँ पर फ्लाई ओवर का कई बार निर्माण का कार्य भी हुआ है, कार्य भी हुआ है सर, अपर जाकर के सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ब्रिज बन गया, यहाँ पर ब्रिज बनना चाहिए तो यहाँ पर नहीं बना, गोपाल जी अब यहाँ पर पास नहीं, गलिया खुल गया भैया, खुल, अरे भागो खुल गया।